उत्तर प्रदेश प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कॉर्पोरेट कर्मचारी संघ के आह्वान पर लंबित मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में शनिवार को दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम करते हुए विरोध जताया। इस संबंध में कचहरी क्लब लेखागार अशोक गुप्ता ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाल करने, कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करने, वेतन विसंगति सहित करने और नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति जैसे कुछ अन्य मांगों पर सरकार और संघ के बीच सहमति के बाद भी मामला लंबित पड़ा है। इसी के विरोध में शुक्रवार को आज दूसरे दिन भी कार्य पर रहते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है। इसके बाद अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। 31 अगस्त को तालाबंदी कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो 16 सितंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कचहरी क्लब के लेखागार अशोक गुप्ता ने कहा, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का प्रांतीय संप्रेक्षक एवं मंडल अध्यक्ष गोरखपुर। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम लोगों ने 19 जुलाई से 23 जुलाई तक 24 सूत्री मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी सोमवार को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बाय पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको हम लोग ज्ञापन टाइप में भेजेंगे पूरे प्रदेश के लोग। और हमारी 24 सूत्री मांगे हैं, हमारी प्रमुख मांगे हैं कलेक्ट्रेट का नाम कार्यालय जिलाधिकारी से हटा करके जो है जनपद सचिवालय रखा जाए। हमारी दूसरी मांग है जो है कलेक्ट्रेट लिपिक बल से 10% नायब तहसीलदार में प्रोन्नत किया जाए, पुरानी पेंशन लागू किया जाए, हमको दारू सफा में हमें संघ भवन दिया जाए। इसी तरह हमारी 24 सूत्री मांगे हैं जिसको हम लोग 23 तारीख को पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो है माननीय मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको सूचना देंगे। इसके बावजूद अगर उनकी हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती है तो 21 अगस्त को हम लोग पूरे प्रदेश में समस्त तहसील और जिला के लोग मिलकर के धरना, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे।